हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नॉवल करने वाले हैं उसका नाम है द एम्बेसडर्स। वो पब्लिश हुआ था 1903 में बाय हेनरी जेम्स। फ्रेंड्स, आइए इस नॉवल के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स नेम है लेविस लैम्बर्ट स्ट्रेथर, जो कहानी में प्रोटैगनिस्ट हैं। चैडविक न्यूमैन, जो एक यंग हैंडसम लड़का है, फिलहाल पेरिस में रहता है, जो अपने घर नहीं आना चाहता। मिसेस न्यूसम चैडविक की मदर हैं, जो चाहती हैं चैडविक घर आ जाए और उनका फैमिली बिजनेस संभाले। मारिया है, एक 33 ईयर्स ओल्ड लेडी है, जो स्ट्रेथर को पेरिस में आगे मिलेगी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। और चैडविक घर क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि मैडम मैरी डी विनॉट से उसका अफेयर है। एक ओल्ड एज लेडी है जिसे चैडविक का अफेयर है, वो चैडविक को घर वापस आने नहीं देती और चैडविक खुद भी नहीं आना चाहता उनके अफेयर में। वे मार्श है, स्ट्रेथर की फ्रेंड है जो बहुत अनहैप्पी रहते हैं। जॉन लिटिल बिलहैम, ये चैडविक का फ्रेंड है। जेनी मैडम विनॉट की डॉटर है। सारा पीकॉक एंड जिम पीकॉक चैडविक के सिस्टर और उनके जीजाजी हैं। मैमी पीकॉक जो जिम की बहन है। मिस प्रेयस एंड ये बाकी जो कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, ये कहानी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। गैलोरियनी एंड मॉन्स्टियर, ये कहानी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, बहुत माइनर कैरेक्टर्स हैं। आइए अभी समरी देख लेते हैं द एम्बेसडर की। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू होती है मिसेस न्यूसम से। न्यूसम है वो एक विडो लेडी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और न्यूसम चाहती हैं कि उनका बेटा चैडविक है, जो फ्रांस में रहता है फिलहाल, वहाँ से वापस आ जाए वो पेरिस से और मिसेस न्यूसम का बिजनेस संभाले आके। अब चैडविक आना नहीं चाहता क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है मैडम विनॉट से, और विनॉट को छोड़ के वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, पेरिस के लिविंग स्टाइल को छोड़ के चैडविक बिल्कुल भी घर वापस नहीं आना चाहता। अब मिसेस न्यूसम अपने एक किसी विश्वास पात्र को चैडविक के पास भेजना चाहती हैं ताकि वो चैडविक को लेके वापस घर आ जाए। अब मिसेस न्यूसम को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगते हैं स्ट्रेथर। स्ट्रेथर जिनसे मिसेस न्यूसम ने इंगेजमेंट कर ली है, और इंगेजमेंट कर ली है और एक शर्त रखी है कि अगर तुम चैडविक को लेके वापस आ जाओगे तो मैं आने के बाद तुमसे मैरिज भी कर लूँगी। अभी स्ट्रेथर निकल पड़ते हैं अपने फ्रेंड वे मार्श के साथ चैडविक को लेने के लिए। अब ये दोनों निकलते हैं और फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो पेरिस पहुंच के इन दोनों को पता लगता है कि फ़िलहाल चैडविक अपने घर में नहीं है, और चैडविक के वहाँ ना होने के बाद उनका फ्रेंड लिटिल बिलहम घर को संभाल रहा है। बालकनी में वो लिटिल बिलहम को देखते हैं और देखते हैं कि वो घर को संभाल रहा है। अब फिलहाल स्ट्रेथर वेट करते हैं चैडविक के आने का। इतने में उनकी मुलाकात मैरिया से होती है। तभी वे मार्श उनको नहीं दिखाई देते और स्ट्रेथर की मुलाकात मैरिया से होती है। मैरिया उनको बताती है कि वो वे मार्श को जानती है, उसने वे मार्श को देखा है। बातों ही बातों में ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अभी स्ट्रेथर एंड मारिया दोनों फ्रेंड्स हैं। अब मारिया स्ट्रेथर से पूछती है उनके आने का रीज़न। स्ट्रेथर पूरा रीज़न बता देते हैं कि चैडविक न्यूसम को वो लेने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पे पेरिस में किसी लेडी के अफेयर में है और वो घर नहीं जाना चाहता, और मिसेस न्यूसम ने मुझे यहाँ भेजा है एज एन एम्बेसडर। अब फिलहाल चैडविक वापस आ जाता है। चैडविक के आते ही स्ट्रेथर देखते हैं चैडविक को, एकदम पर्सनैलिटी चेंज, बिल्कुल हैंडसम लड़का और एकदम स्मार्ट हो गया है वो। वो जैसे जिस पहले वाले चैडविक को जानते थे वैसा चैडविक बिल्कुल भी नहीं है। अब एकदम से उसने अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर लिया है और वो एकदम मॉडर्न लग रहा है। स्ट्रेथर उसको देखते ही बड़े हैरान हो जाते हैं। अब स्ट्रेथर से मिलने के बाद में चैडविक उनसे कहता है कि कुछ टाइम तक मेरे पास रुको, मैं तुम्हें दो लेडीज़ से मिलवाऊंगा, एक लेडी और उसकी डॉटर, बहुत ही चार्मिंग हैं वो दोनों, तुम हमारे पास यहाँ कुछ टाइम तक रुको, हम तुम्हें मिलवाएंगे उनसे। चैडविक स्ट्रेथर से ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। अब स्ट्रेथर रुक जाता है देखने के लिए कि चैडविक का अफेयर किससे है और वो किस तरह की लेडी है जिसने चैडविक को इतना बदल दिया और एकदम से मॉडर्न बना दिया। अब चैडविक
मैडम विनॉर्ड से और उनकी डॉटर जेनी से स्ट्रेथर को मिलवाते हैं। स्ट्रेथर देखते हैं कि जेनी एकदम स्मार्ट गर्ल है और बिल्कुल वेल मैनेज्ड और एकदम एजुकेटेड। स्ट्रेथर सोचते हैं कि कितना अच्छे से मैडम विनॉर्ड ने सब कुछ मैनेज किया हुआ है, और मैडम विनॉर्ड की संगति में चैडविक एकदम से, और चैडविक ही नहीं जेने भी बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। और स्ट्रेथर को ऐसा लगता है कि स्ट्रेथर अपने सारे काम भूल जाता है कि कैसे मिसेस न्यूसम ने उसे चैडविक को लेने के लिए यहाँ भेजा था। वो सारे काम छोड़ के फ़िलहाल पेरिस में ही रुक जाता है और मैडम विनॉट की संगति, मैडम विनॉट का और जेनी का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। अब स्ट्रेथर चाहते हैं कि वो कुछ टाइम तक यहीं रुके। अब वेमार्श, स्ट्रेथर और मारिया तीनों साथ हैं और चैडविक के साथ ही यहीं रुक जाते हैं। जब मिसेस न्यूसम को पता चलता है कि बहुत लंबा टाइम बीत गया है और अभी तक स्ट्रेथर लेके नहीं आया है चैडविक को, उनके बेटे को, तो मिसेस न्यूसम अपना एक नया एम्बेसडर्स का एक ग्रुप तैयार करती है। वो चाहती है कि अभी नए एम्बेसडर जाएं और चैडविक न्यूसम को घर वापस ले आएं। तो मिसेस न्यूसम अपनी बेटी से बात करती है, सारा पॉकॉक से बात करती है कि तुम जाओ और अपने भाई को लेके आओ, मैंने स्ट्रेथर को भेजा था पर वो अभी तक उसे लेके नहीं आया है। तो मिसेस न्यूसम कहती है सारा पॉकॉक से कि तुम जाओ अपने भाई चैडविक को वापस मेरे पास लेकर आओ। सारा अपने भाई को लेने के लिए निकल पड़ती है, सारा के साथ में उसके हस्बैंड जिम पॉकॉक और उनकी बहन मैमी पॉकॉक। अब ये तीनों का एक ग्रुप बनता है फ्रेंड्स, सारा पॉकॉक, जिम पॉकॉक और मैमी का। ये तीनों मिसेस न्यूसम के रिलेटिव्स हैं, मिसेस न्यूसम की बेटी सारा और सारा के हस्बैंड जिम और जिम की बहन मैमी। फ्रेंड्स, मिसेस न्यूसम चाहती हैं कि जब चैडविक वापस आएगा फ्रेंड्स से तो उनकी मैरिज मैमी से करवा दी जाएगी जो कि जिम की सिस्टर हैं, क्योंकि मैमी उनको बहुत पसंद है, एक बहुत ही शांत और डिसेंट लड़की मैमी है। अब ये तीनों निकल पड़ते हैं, अब ये तीनों पेरिस पहुंच जाते हैं और जाके स्ट्रेथर से मिलते हैं। अब जाके देखते हैं स्ट्रेथर को, और तो स्ट्रेथर भी एकदम बदल चुका है, एकदम वेल पर्सनैलिटेड। और देखते हैं चैडविक न्यूसम को, तो चैडविक की पर्सनैलिटी भी एकदम से डेवलप हो चुकी है और ये बहुत इम्प्रेस होते हैं देख के इनको कि ये वाकई में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हमें भी इस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तभी सारा को ध्यान आता है कि उन्होंने चैडविक को वापस लेके जाना है, तो वो स्ट्रेथर से ये बात बोलती हैं कि तुम्हें अब स्ट्रेथर को वापस लेकर चलना चाहिए, तुम अपने मिशन में असफल रहे इसलिए मेरी मदर ने मुझे भेजा है यहाँ पे, मैं अपने हस्बैंड और अपनी ननद मैमी के साथ में यहाँ आई हूँ चैडविक को ले जाने के लिए। अब स्ट्रेथर बिल्कुल भी पेरिस छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्ट्रेथर की लाइफ में एक नया चेंज आया है पेरिस में आने के बाद। पेरिस में आने से पहले स्ट्रेथर की लाइफ एकदम बोरिंग थी, वो सेम लाइफ को रिपीट कर रहा था, और पेरिस आने के बाद में स्ट्रेथर एकदम से बिल्कुल नए पत्तों की तरह धुला हुआ फील कर रहा है और एकदम फ्रेश फील कर रहा है। उसे लगता है लाइफ तो यही है, इससे पहले तो वो पता नहीं किस कुएं में जी रहा था, फिलहाल वो बहुत हैप्पी है और एकदम से वेल मैनेज्ड फील कर रहा है। अब फिलहाल चैडविक से सारा बात करती है कि ऐसे मम्मा ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें चलना चाहिए वापस और वो लोग बहुत परेशान हैं और तुम्हें जाके फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए। तो चैडविक एकदम से तैयार हो जाता है चलने के लिए, चैडविक जाना चाहता है। मैडम विनॉट बहुत कोशिश करती है अपनी डॉटर के थ्रू, बहुत कोशिश करती है रोकने की चैडविक को, पर चैडविक फाइनली मन बना लेता है कि उसको अब घर वापस जाना है और मिसेस न्यूसम का बिजनेस संभालना है। फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम क्या है, अब स्ट्रेथर घर वापस नहीं जाना चाहता, अब चैडविक तो जाना चाहता है पर स्ट्रेथर का मन लग गया है फ्रांस में और स्ट्रेथर बिल्कुल भी पेरिस छोड़ के वापस नहीं जाना चाहता। अब स्ट्रेथर द्वंद्व में है कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे ध्यान आता है कि वो अपनी फ्रेंड मैरिया गोस्ट्रे से बात करे। फ्रेंड, ये जो उसकी फ्रेंड मैरिया गोस्ट्रे है, स्ट्रेथर हर बात के लिए मैरिया गोस्ट्रे पर डिपेंड रहने लग गया है। उसे कोई भी डिसीजन लेना होता है वो खुद से नहीं ले सकता, वो हर बात के लिए मैरिया के पास जाके उसके डिसीजन का वेट करता है। अब स्ट्रेथर मैरिया के पास जाता है
और मैरिया जो कि स्ट्रेथर को काफ़ी लंबे टाइम से मन ही मन पसंद करती है, स्ट्रेथर को प्रपोज कर देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए और दैट आई लव यू और हमें अब इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब स्ट्रेथर एकदम कंफ्यूज है, उसे लगता है कि अब जब चैडविक ही यहाँ नहीं है तो वो एक नई लाइफ में यहाँ पे रह के क्या करेगा। वो बहुत कंफ्यूज है, बड़े द्वंद में फंसता हुआ वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है और जाके मैरिया को रिफ्यूज़ कर देता है, मैरिया को एकदम मना कर देता है, उसके प्रपोज़ल को ठुकरा देता है, मैरिज के प्रपोज़ल को। और फाइनली जब फ्रेंड्स नोवेल एंड होता है तो एंड में चैडविक के साथ सारा पॉकॉक, जिम पॉकॉक, मैमी और साथ में स्ट्रेथर भी यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स वापस मिसेस न्यूसम के पास चले जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी समरी एट द एम्बेसडर्स की। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसी लगी। ऐसी ही और समरीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक यू सो मच।